प्रीवियस टाइम में मैंने दो वीडियो बनाए थे। यदि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो आप उन्हें सरेंडर यानी कि कैंसिल कैसे कर सकते हैं। वीडियो पर कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा एओ जो है वो अलग अलग है तो हमारा पैन कार्ड सरेंडर कैसे होगा। यदि आप एक से ज्यादा जगह पर रह करके दो पैन कार्ड बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पहले नोएडा में रहते थे, वहाँ से आपने एक पैन कार्ड बनाया है, उसके बाद आप पटना रहने आ गए हैं या काम करने आ गए हैं, आपने गलती से वहां से भी पैन कार्ड बनवा लिया है, तो आपके दो डिफरेंस एओ हो जाएंगे। ऐसे में जब आप पैन कार्ड सरेंडर करने जाएंगे तो आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपके पास क्या उपाय है? तो सबसे पहले आपको अपना दोनों पैन कार्ड का एओ मर्ज करा लेना है। कंप्लीट प्रोसेस मेलिंग का है, कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। इसके लिए आपको ऑफलाइन जाना होगा या एक काम आप ऑनलाइन यानी कि ईमेल के थ्रू भी करवा सकते हैं। यदि आप अपने दोनों पैन कार्ड का एओ मर्ज करवा लेते हैं तो आप 50% प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ चुके हैं। उसके बाद हमारे चैनल पर दो वीडियोस हैं जिसे आप देख करके आप अपने दूसरे पैन कार्ड को कैसे सरेंडर करने के लिए या कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके दो पैन कार्ड हैं, उनके एओ अलग अलग हैं, तो आप उन्हें कैसे पहले मर्ज कर सकते हैं, उसके बाद आप कैंसिल करने के लिए कैसे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को आप अपने मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, कहीं से भी पूरा कर सकते हैं। आपको बस एक रेंडमली कोई भी ब्राउजर खोल लेना है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कौन से पैन कार्ड का कौन सा एओ है ये जान लेना है। उसके लिए आप वेबसाइट पर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा नो योर एओ। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खुल करके आएगा जहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा नो योर ज्यूरिडिक्शनल एसेसिंग ऑफिसर। आपको अपना यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल लेना है, आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेना। मोबाइल नंबर कोई भी आप डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको पैन कार्ड के साथ लिंक हो। देन आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सेंड कर लेना है। ये वैलिडेट का ऑप्शन ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपकी पैन कार्ड की ज्यूरिडिक्शनल डिटेल खुल करके आ जाएगा, जिसमें बिल्डिंग नेम, ईमेल आईडी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको किस पते से यानी कि कहां से अपना एओ मर्ज कराना है ये कंप्लीट आप पर डिसाइड करता है। आगे का प्रोसेस क्या है, आप कैसे मर्ज कराएंगे, तो चलते हैं हम लोग नोटपैड पर जहां पर मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। मैंने एक कंप्लीट एप्लीकेशन एओ को कैसे मर्ज कर सकते हैं टाइप करके रखा हुआ है। आप इसकी चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या आप इसे चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन से जाकर के कॉपी पेस्ट करके अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट डाल लेना है, आयकर आयुक्त यानी कि आपके शहर का नाम आप यहाँ पे डालेंगे, शहर का पता आप यहाँ पे डाल लेंगे। विषय में आप देख सकते हैं यानी कि सब्जेक्ट पैन कार्ड एओ मर्ज करने के लिए आवेदन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं पैन कार्ड को एक ही करने के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। आप मेल है फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एडिट कर लेंगे। उसके बाद पैन कार्ड का संख्या पहले वाला, पैन कार्ड का संख्या दूसरे वाले का, आप यहाँ पर चाहे तो पहले पैन कार्ड में क्या नाम है वो भी डाल सकते हैं, दूसरे पैन कार्ड में आपका क्या नाम है आप ये भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे इस आवेदन का उद्देश्य यह है कि मेरे दोनों पैन कार्ड का विवरण को एकीकृत किया जाए ताकि मैं अवैधता या त्रुटि की स्थिति से बच सकूं, यानी कि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो मैं उससे बच सकूं, ऐसा यहाँ पर मैंने लिख करके रखा है। उसके बाद निम्नलिखित दस्तावेज प्रमाण के रूप में मैं दे रहा हूँ, जैसे कि पहले पैन कार्ड का छाया प्रति यानी कि जेरोक्स, दूसरे पैन कार्ड का जेरोक्स। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पर दे देंगे। दस्तावेज में आप यहाँ पर पहले का पैन कार्ड का प्रमाणित प्रतियां यानी कि उसका जेरोक्स कॉपी, दूसरे पैन कार्ड का जेरोक्स कॉपी, पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखा हुआ है एओ मर्ज आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रतियां, तो ये आपके पास नहीं है अभी, तो आप इस प्रोसेस में डाल रहे हैं। आप इस नीचे वाले को डिलीट कर सकते हैं या आप इसे ऐसा ही रहने दे सकते हैं। फॉर्म को आप भर लेने के बाद या आप इसे प्रिंट आउट निकाल के जब भर लेंगे, उसके बाद आप वापस से स्क्रीन पर आएंगे जहां पर आपने एओ डिटेल निकाल करके रखा था।
यहाँ पर आ जाने के बाद आप देख सकते हैं बिल्डिंग नेम। आप चाहे तो यहाँ पर आप ऑफलाइन जा सकते हैं, यदि आपके पास टाइम है तो आप चले जाइए, आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा ऑफलाइन जाने का, आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा विकल्प के तौर पर आप यहां पर एक ईमेल आईडी देख रहे हैं। मैंने तो ईमेल से ये काम करवाया है, लेकिन मुझे थोड़ा हफ्ते दिन का 10 दिन का टाइम लगा था, यानी कि थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन ईमेल से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं सजेशन के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप ऑफलाइन जाते हैं तो आपके लिए सबसे बेटर हो सकता है। आप चाहे तो ईमेल के प्रोसेस से भी कर सकते हैं और आपको पूरा डिटेल इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। उसके बाद उधर से रेस्पॉन्स के तौर पर कुछ मेल आएंगे आपको, और आपको कुछ समय के बाद आपका एओ मर्ज करा दिया जाएगा। जैसे ही आप एओ मर्ज करा लेते हैं, उसके बाद आपको हमारे चैनल पर आ जाना है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे तो हमारे चैनल पर आपको दो ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपने दूसरे पैन कार्ड को कैसे सरेंडर कर सकते हैं। एओ मर्ज हो जाने के बाद आपको पैन कार्ड सरेंडर करने में बहुत इजी हो जाएगा, आप आसानी से एक पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं और पहला जो पैन कार्ड है उसे आप अपने यूज के लिए रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की रोज इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।